हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने अंडा आर्म्स लेकर आई हूं फ्रेंड, कि आप स्ट्रेट रेजर से किस तरह से अंडा आर्म्स क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि बालों की ग्रोथ कैसी है फ्रेंड। उसके बाद आप एस्ट्रिजेंट ले लेंगे फ्रेंड। मैं अयूर का एस्ट्रिजेंट यूज़ कर रही हूँ। आप अच्छी तरह से सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए। आप चाहें तो सेविंग क्रीम जो आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, नहीं तो आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। अच्छे से क्लियर करने के बाद आप देखेंगे कि एस्ट्रिजेंट से जो पसीना वगैरह जो भी रहता है फ्रेंड, वो एकदम क्लियर हो जाता है। ये देखिए, देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, स्ट्रेट रेजर लेना है, और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप हाथ को टाइट रखिए फ्रेंड, और उसके बाद आप बहुत इजी तरीके से क्लीन कर लेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम क्लियर हो गया है। आप ज़्यादा दबाव नहीं डालिए फ्रेंड, आप इसको बस थोड़ा सा स्किन को टाइट रखिए फ्रेंड। ये देखिए, एकदम क्लियर हो गया है। चेक कर लीजिए आप। हाँ फ्रेंड, देखिए अच्छे से क्लियर हो गए हैं अंडा आर्म्स। आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजर लगा दीजिए फ्रेंड। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप एक बार और रेजर को चलाइए फ्रेंड। ये देखिए, एकदम क्लियर हो गया है। इसके बाद अच्छे से आप धो लीजिए। धोने के बाद आप वापस मॉइस्चराइजर लगा लीजिए फ्रेंड। और अगर फ्रेंड आपके अंडार्म्स काले हैं, बाल निकलने के बाद जगह है काली रहती है, तो आप एक तो इसका मुख्य कारण होता है कि आप लोग डीओ स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए स्किन ब्लैक हो जाती है। ओके, और अगर आपके ज़्यादा ब्लैकनेस है तो आपको क्या करना है फ्रेंड, आप कम से कम 7-8 दिन तक नींबू रगड़िए। उसमें वाइट प्रॉपर्टीज़ रहती है फ्रेंड, अमोनिया रहता है उसमें, तो आपकी स्किन 7 दिन में नेचुरल वाइट हो जाएगी फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से अंडार्म्स हो गए फ्रेंड रेजर से। तो आप अगर आपको कहीं जल्दी जाना है और आप पार्लर पर नहीं जा सकते हैं फ्रेंड, तो आप घर पर इस तरह से अपने अंडार्म्स क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड, गुड नाइट, बाय।